ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर टू क्लिक अपॉन माय थंबनेल। ओके, सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर में। सो दिस इज़ पार्ट टू। इसके ऊपर, सेल के टॉपिक के ऊपर पार्ट वन भी मैंने बनाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाकर ऊपर देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, वहाँ से उसको देख सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में मैंने ज़्यादा ज़्यादा डेफिनेशन, सेल का थोड़ा सा डेवलपमेंट एंड ब्रीफ, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड सेल की थ्योरी, सेल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑलमोस्ट डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा सा हमने ब्रीफ बात की थी। सो वो एक बेसिक है, वो आप देख लेना अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ओके, एज यू कैन सी दैट, सो मैंने जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ये पूरा इसमें मतलब पूरा एक डिस्कस करने वाली हूँ, ये मैं एनसीईआरटी के बेस पर ही करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ये सजेस्ट करूँगी गाइज आप लोगों को, इफ़ यू आर नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट और टेंथ स्टैंडर्ड स्टूडेंट, या फिर आप ट्वेल्थ के भी स्टूडेंट हैं, तो आप एनसीईआरटी को ही ज़्यादातर फॉलो कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया का नीट का कोई एग्ज़ाम है या फिर कोई आईआईटी है, ज़्यादातर क्वेश्चंस बायो में, मैं स्पेशली अगर बात करूँ तो एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि सारी बुक्स बेकार हैं, आप फॉलो करिए अपनी नॉलेज के लिए, आप रिफ्रेशर देखिए, बट एनसीईआरटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको पढ़नी ही होगी, एंड उसके बाहर से कहीं से कुछ भी नहीं आता है, चाहे बोर्ड्स में तो स्पेशली एनसीईआरटी में से ही आता है। ओके सर, चलिए, तो ये तो हो गई सारी, थोड़ा ब्रीफ आपका मतलब एक ज्ञान टाइप हो गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक पे, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सेल का स्ट्रक्चर मेनली हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल कैसे वर्क करती है, क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता होना ज़रूरी है। सो सेल के स्ट्रक्चर में मेनली जो है, सबसे पहले हमारा जो प्रेजेंट होता है वो हमारा होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाद जो प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद हमारा न्यूक्लियस आता है, देन उसके बाद हमारी सेल ऑर्गेनलीज आ जाती है। सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल गॉल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स, तो दीज आर दी सेल ऑर्गेनल्स। ओके, एंड सो हम पॉइंट स्टेप बाई स्टेप हम इनके ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स ज़रा आप देखें दैट आई हैव रिटन हियर, दिस इज़ दी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं, गॉल्गी अपैरेटस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम्स। ओके, सो ये है ओवरऑल सेल का स्ट्रक्चर। अब क्या ये होती क्या है, व्हाट इज़ इट एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दैम। ठीक है, सबके हम अलग अलग फंक्शन देखेंगे और कि ये होती क्या है, कैसी ये वो करती हैं। सो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन, सो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक उसको हम सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ओके, और एनिमल सेल में हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी सेल की आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, हमारे सेल की आउटर कवरिंग होती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये सेल है, इसकी जो ये आउटर कवरिंग होगी, यानी ये जो होगी, ये क्या होगी, हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, और इफ़ आई टॉक अबाउट इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल में हम इसको क्या बोलेंगे, प्लांट सेल में हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे सेल। ओके, सो नाउ कमिंग टू द फंक्शन ऑफ दिस, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि ये सब्सटेंस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि ये सब्सटेंस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है, सब्सटेंस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, और क्या करती है, हमारी सेल को प्रोटेक्ट करती है, हमारे पूरे होल सेल के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है ये। ओके, हमारे सेल को स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, प्रोटेक्ट दी होल सेल स्ट्रक्चर। ओके, सो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन हमारी आउटर कवरिंग होती है हमारी सेल की, जो क्या करती है, एक्सचेंज करती है सब्सटेंसेस का अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड और
क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे होल सेल स्ट्रक्चर को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म जो है एक फ्लूइड कंटेंट होता है जो प्रेजेंट होता है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनिमल सेल में हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो फ्लूइड कंटेंट होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है हमारी उसमें, ये एक तरीके से फ्लूइड कंटेंट होता है। ठीक है, जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, कंटेन करता है बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स को। क्या कंटेन करता है, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। हर एक ऑर्गेनेल्स जो होती है सेल के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, हर एक ऑर्गेनेल्स जो होती है सेल के लिए स्पेशल एक फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, अब वो ऑर्गेनेल्स क्या क्या होती हैं, क्या वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं, चलिए हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी न्यूक्लियस। ठीक है, सो न्यूक्लियस जो है एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। फाइन, न्यूक्लियस हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है बिल्कुल सेंटर पे और मिडल ऑफ द सेंटर। ठीक है, ठीक है, वो होती क्या है, डबल लेयर्ड एक कवरिंग होती है। ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में। सो न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स को जो है कंटेन करता है। न्यूक्लियस का फंक्शन के बारे में बात करते हैं हम, न्यूक्लियस कंटेन दी क्रोमोसोम। ठीक है, एंड जो ये क्रोमोसोम होते हैं ये एक इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के लिए, इनहेरिटेंस फीचर्स के लिए, फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। किसकी फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। इफ़ यू वांट द वीडियो ऑफ दिस टॉपिक दैन ड्रॉप मी अ कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। मैं बाद में इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी अगर मुझे लगता है कि बनानी चाहिए। सो ठीक है, तो डीएनए क्या कंटेन कर, डीएनए होता क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा एक सिंगल सेल होता है वो डिवाइड होकर टू न्यू सेल्स बनाता है। ओके, टू न्यू सेल्स बनाता है। मैंने बहुत ब्रीफ इसका फ्लो चार्ट बनाया था अपने पार्ट फर्स्ट में, आप जाके वहाँ देख सकते हैं कैसे कैसे होता है ये। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम तो किसी और ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर। अब राइट नेक्स्ट वन इज सेल ऑर्गेनेल्स। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। ओके, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स कौन सी होती है, गॉल्गी अपैरेटस। ओके, गॉल्गी अपैरेटस। ठीक है, गॉल्गी अपैरेटस क्या करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है, मॉडिफिकेशन करता है और पैकेजिंग करता है प्रोडक्ट्स की वेसिकल्स के अंदर। ओके, सो वेसिकल्स क्या होते हैं, बेसिकली वेसिकल्स एक एयर लाइक सेक्स के जैसे होते हैं। ठीक है, एयर लाइक पोर्स समझ लीजिए, और ये प्रेजेंट होते हैं। इन वेसिकल्स का काम क्या होता है कि ये जो है ये सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस आना है जाना है आउटसाइड एंड इनसाइड, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, वो वेसिकल्स के थ्रू ही होता है। ठीक है, स्टोरेज का काम हो गया। ठीक है, तो गॉल्गी अपैरेटस स्टोरेज का काम करता है, मॉडिफिकेशन यानी कोई भी चेंजेस। ठीक है, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की वेसिकल्स के अंदर। ठीक है, ये किस में इन्वॉल्व होता है, लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है ये। ओके, सो नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो सेल ऑर्गेनली है। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज इन दिस सेल ऑर्गेनली। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक क्या होता है, लार्ज नेटवर्क होता है हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ अ ऑर्गेनली ऑफ सेल विच इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म, एंड वॉट इज दिस, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। फाइन, एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ठीक है,
अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? ये मैन्युफैक्चर्ड करता है हमारे फैट के मॉलिक्यूल्स को और या फिर लिपिड्स को, जो हेल्प करते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग में। ठीक है, क्या करता है ये, इसका फंक्शन क्या होता है? हेल्प मैन्युफैक्चर्ड करता है फैट के मॉलिक्यूल्स को, लिपिड्स को, या फिर विच हेल्प्स इन बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ओके, एंड नाउ वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट मैन्युफैक्चर्ड द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर्ड करता है। ओके ओके, सो लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज लाइसोसोम्स। ओके, वॉट इज लाइसोसोम्स? Lysosomes. Okay, this is the organelle of cell. It is a kind of waste disposal system of the cell. What is lysosome? Lysosome एक तरीके से waste disposal system है हमारे cell का. Okay, so lysosome का basic function क्या होता है? बहुत important है, इस पर question ज़रूर आ सकता है 1 marks का या 2 marks का, कि जो lysosomes होते हैं वो क्या करते हैं? कोई भी फॉरेन बॉडी होती है, मान लो कोई भी वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वो जब एंटर करती है तो ये उसको या सेल के अंदर कोई भी, मतलब कुछ भी ऐसा वेस्ट मटेरियल है, ये उसको एनगल्फ कर जाता है। एनगल्फ यानी कि उसको खुद के अंदर ईट कर जाता है। ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है और फिर उसको डाइजेस्ट करने के बाद एज वेल एज वॉर्म आउट सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स को भी ये वॉर्म आउट कर जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें एक पावरफुल एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये फॉरेन मटेरियल को ब्रेक कर पाते हैं और उसको इनगल्फ कर पाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फॉरेन बॉडी कोई सी भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, कोई फूड पार्टिकल हो गया, वायरस हो गया, कोई भी फॉरेन बॉडी हो गई जो कि हमारी सेल के लिए ठीक नहीं है, तो ये खुद ही, इसीलिए लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। मैंने अब मेंशन नहीं किया है बट लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। ओके, ओके ओके, सो नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट वन इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सब जितने भी मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रही हूँ, ये सब सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द सेल साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? ये एनर्जी जो भी रिक्वायर्ड होती है किसी भी वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, हमारी लाइफ के लिए, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही रिलीज़ होती है। किसकी फॉर्म में रिलीज़ होती है? एटीपी की फॉर्म में रिलीज़ होती है। किसकी फॉर्म में रिलीज़ होती है? एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। सो एटीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ठीक है, किसकी फॉर्म में रिलीज होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में रिलीज होती है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ व्हिच इज़ नीडेड फॉर लाइफ इज़ रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट वन व्हिच इज़ राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम्स व्हाट इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म? ठीक है, आर मैक्रोमोलिक्यूलर मशीन्स फाउंड विद इन दी ऑल लिविंग सेल्स। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूलर मशीन्स होती हैं ये एक तरीके से। इसका फंक्शन क्या होता है? ये बायोलॉजिकल सिंथेसिस करता है। राइबोसोम्स बायोलॉजिकल सिंथेसिस मतलब मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन करता है। 12th standard, इफ़ यू आर इन अ 9th standard, जब आप आगे हायर और पढ़ेंगे क्लासेस में, तो 12th में आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में, कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे पास होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वन। ओके, सो यहाँ पे मैसेंजर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन उसके बारे में बात करी गई है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल स्ट्रक्चर, ऑल अबाउट द सेल स्ट्रक्चर, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इस पर 5 marks का क्वेश्चन आराम से बन सकता है और इवन आ भी सकता है। ओके, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर टू स्टे ट्यून्ड विद अस एंड इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया सो यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम लिंक इज़ गिवन इन आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऐसे ही हमारी हर टॉपिक की वीडियोज़ आती रहेंगी मेडिकल से रिलेटेड एंड करियर से रिलेटेड एंड बिजनेस से रिलेटेड एंड साइंस
बायो केमिस्ट्री एवरीथिंग ओके एंड बहुत सही होगा अगर आप मुझे सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओके थैंक यू.